उम्मीद करता हूँ आप सबों को पसंद आएगी कविता। आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, जुल्म उनके और बढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, जुल्म उनके और बढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, मर्जी के कानून लाएंगे और तुम पे लाद देंगे, मर्जी के कानून लाएंगे और तुम पे लाद देंगे, तुम न बोले तो तुम्हें हर ओर से वो बांध लेंगे, मर्जी के कानून लाएंगे और तुम पे लाद देंगे, तुम न बोले तो तुम्हें हर ओर से वो बांध देंगे, अपने हित को देश हित कह करके तुझको लूट लेंगे, अपने हित को देश हित कह करके तुझको लूट लेंगे, सत्ता शासन पास उनके चाहेंगे जब कूट देंगे, सत्ता शासन पास उनके चाहेंगे जब कूट देंगे, और सौ बहाने वो बढ़ेंगे, सौ बहाने वो गढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो। वो जो संबोधित सभी को कर रहा है, इस दृश्य को देखिएगा साथियों, वो जो संबोधित सभी को कर रहा है हाथ जोड़े, फांसीवाद जनवाद के माध्यम से ही आता है, वो जो संबोधित सभी को कर रहा है हाथ जोड़े, अरे भेड़िया बैठा हुआ है आदमी की खाल ओढ़े, वो जो संबोधित सभी को कर रहा है हाथ जोड़े, भेड़िया बैठा हुआ है आदमी की खाल ओढ़े, घात में दिन रात है वह खून तेरा चाटने को, घाव गहरे करके बस ऊपर से पट्टी साटने को। वो जो संबोधित सभी को कर रहा है हाथ जोड़े, भेड़िया बैठा हुआ है आदमी की खाल ओढ़े, घात में दिन रात है वो खून तेरा चाटने को, घाव गहरे करके बस ऊपर से पट्टी साटने को, अरे सड़ चुका वो अब सब सड़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, अब हमारा वर्ग अगर चुप रहा तो सड़ चुका वो सब सड़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, अरे आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, जुल्म उनके और बढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, झूठ के भारी पुलिंदों से तुम्हें भरमा रहे हैं, झूठ के भारी पुलिंदों से तुम्हें भरमा रहे हैं, लाश पर भी राजनीति अपनी वो गरमा रहे हैं, सैकड़ों खांचों में तुमको छांट देंगे बांट देंगे, सैकड़ों खांचों में धर्म जाति भाषा क्षेत्र, सैकड़ों खांचों में तुझको बांट देंगे छांट देंगे, तो फिर तुम्हारी एकता की असल जड़ ही काट देंगे, और उनके खूंटे फिर गड़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, उनके खूंटे फिर गड़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो। आखिरी बंद है, बोलना होगा सवालों को खड़ा करना पड़ेगा, बोलना होगा सवालों को खड़ा करना पड़ेगा, उतरना होगा सड़क पर साथियों लड़ना पड़ेगा, दायित्व है अपने वर्ग की लड़ाई, अपने मुद्दों की लड़ाई लेकर के लड़ेंगे तभी, यही चुनौती है हमारे सामने कि हम कैसे अपनी बात, उसका एक्सपोजिशन, हम कितना उसका भंडाफोड़, और जहाँ जहाँ संघर्ष हुआ है, अभी बार बार किसान आंदोलन की बात आई, सीए के अगेंस्ट में बात आई, जब हम आंदोलित हुए हैं खड़े हुए हैं वो पीछे गया है, तो दायित्व पर इस पर विचार किया जाए, इस पर विचार कीजिए कि हम अपने आंदोलनों को सही दिशा और सही धार कैसे देंगे इसके खिलाफ, और राजनीति की बातें आगे फिर की भी कमले, बोलना होगा सवालों को खड़ा करना पड़ेगा, बोलना होगा सवालों को खड़ा करना पड़ेगा, साथियों लड़ना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा, अपने मुद्दों की लड़ाई में तुझे अड़ना पड़ेगा, अपने मुद्दों की लड़ाई में तुझे अड़ना पड़ेगा, वो तुम्हें भटकाएंगे पर तुमको अडिग रहना पड़ेगा,
वो तुम्हें भटकाएंगे। बार बार जब आप एकताबद्ध होंगे अपने वर्गीय इंटरेस्ट पर, वो जाल फेंक देंगे जाति का, वो जाल फेंक देंगे भाषा का झारखंड में। वो बिना जब उनकी राजनीति चमकानी होगी, इसके अलावा और किस चीज़ की राजनीति करेंगे भाई? वो हमको ये समझ में नहीं आता कि बुर्जुआ शासक वर्ग अगर धर्म की राजनीति नहीं करेगा, जाति की राजनीति नहीं करेगा, विभेदीकरण की राजनीति नहीं करेगा, एक दूसरे से नफरत की राजनीति नहीं करेगा, वह तो उसके राजनीति का फंडामेंटल्स है। और हमको उसके काउंटर में अपनी राजनीति करनी है, अपने वर्गीय एकता की राजनीति करनी है, अपने वर्गीय मुद्दों को उठाना है और उसका काउंटर करना है। तो ये तो आमने सामने की लड़ाई है, रोए क्या? वो तो अपनी राजनीति कर ही रहा है, हम रोने के लिए नहीं है, रोना नहीं है, उसके खिलाफ लड़ना है। बोलना होगा, सवालों को खड़ा करना पड़ेगा, उतरना होगा सड़क पर साथियों, लड़ना पड़ेगा अपने मुद्दों की लड़ाई में, तुझे अड़ना पड़ेगा, वो तुम्हें भटकाएंगे, तुझको अडिग रहना पड़ेगा, वरना हर सियासत वो करेंगे। अब अगर तुम चुप रहे तो आतताई सर चढ़ेंगे, अब अगर तुम चुप रहे तो आतताई सर चढ़ेंगे, अब अगर तुम चुप रहे तो जुल्म उनके और बढ़ेंगे, अब अगर तुम चुप रहे तो इनकलाब जिंदा।